لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولانه الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزق توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم عما بعد قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة صدق الله العلي العظيم وعلي محمد وال محمد صلوات اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم

सलामुल्लाह अलैहा इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत सात सफर 128 ईयर आफ्टर हिजरा में होती मतलब हिजरत के 128 साल बाद 128 ईयर्स बाद इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत अबवा में हुई जो मक्का और मदीना के बीच में है <coughs> इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजब 183 ईयर्स आफ्टर हिजरी में हुई इमाम अलैहिस्सलाम को पॉइजन दे के शहीद किया गया इमाम अलैहिस्सलाम के कातिल का नाम हारून अब्बासी था लानतुल्लाह अलैह जिसको हारून रशीद नाम से जाना जाता है लेकिन हारून अब्बासी भी है उसका नाम लानतुल्लाह अलैह खुदा उस पर लानत करे इमाम आ, इमाम अलैहिस्सलाम की जो है आ, जो प्लेस ऑफ बरियल है जो उनकी गरी है जो उनका रोज़ा है वो काजुमैन में है बगदाद में जवादैन भी कहा जाता है काजुमैन भी कहा जाता है जो इराक़ में है काजमैन इसीलिए क्योंकि इमाम मूसे काजिम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद सातवें और नवे इमाम जो है दोनों बाजू बाजू में दफन है इसीलिए काजमैन यानी दो काजिम या जवादैन या, यानी दो जवाद ठीक है तो इसीलिए उस जगह को जो है काजमैन या जवादैन कहा जाता है बगदाद का एक इलाका है वहां पर जो है इमाम की जो है कब्र है इमाम के कुछ फेमस कंपेनियंस जनाब बहलोले दाना जिनकी हमने कई सारी स्टोरी सुनी है और जनाबे अली इब्ने यक्तिन अलैहिस्सलाम और भी कई सहाबा थे लेकिन ये दो सहाबा जो है काफी फेमस है इमाम अलैहिस्सलाम की जो मदर थी वो एक नॉन अरब थी छठे इमाम के बाद से जो है छठे इमाम से इनफैक्ट छठे इमाम सातवें इमाम आठवें इमाम इन सब ने जो है एक ये किया कि कई सारे इमामों ने जो है वो उन खातून से उन फीमेल से जो है निकाह किया जो अफ्रीकन डिसेंट के थे जो नॉन अरब थे सिर्फ ये एक तो क्योंकि ये जितनी भी खातून थी ये जितनी भी फीमेल थी वो सबसे ज्यादा पाक सबसे ज्यादा जो है तकवे वाली थी क्योंकि ये एक इमाम मासूम की जोजा यानी वाइफ और एक इमाम मासूम की वालिदा उनकी मम्मी बनने वाली थी तो एक इमाम को अल्लाह के नुमाइंदे को जो है पैदा करने के लिए जो है सबसे पाक आ, आ, खातून की जरूरत है इसीलिए ये जितनी भी खातून थी वो जो है सारी की सारी मुमिना मुत्तकी और सबसे पाक खातून थी और इसमें कोई भी शक नहीं है ये सारी की सारी आलिमा थी और ये सारी की सारी जो है इमाम की कंपेनियन थी लाइफ कंपेनियन थी तो इनका दर्जा जो है इनका जो मंजिलत है वो बहुत ऊपर है अफ्रीकन से थी थी नॉन अरब ये ये सब इमाम सलाम ये दिखाना चाहते थे कि वो जमाने में जो था कि भाई अरब सिर्फ अरब से शादी करेगा राइट या नॉन अरब सिर्फ नॉन अरब से शादी करेगा अरब नॉन अरब की शादी नहीं हो सकती ऐसे कई सारे जो है आज भी हमारी सोसाइटीज में जो है प्रेवेलेंट है कि यह कल्चर वाले की शादी सिर्फ ये कल्चर से होगी दूसरे कल्चर से नहीं हो सकती अहले अलैहिस्सलाम ने जो है यह सारे के सारे जो है आ, रूल्स को जो है जो कल्चरल रूल जो उसको जो है खारिज कर दिया और कहा इस्लाम में अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ तकवा है व तआला कुरान में फरमाता है व रही

पायस। तो ये जो जितने कल्चरल थे कि अरब नॉन अरब ये सब जो है ने तोड़ दिया और खुद एज एन एग्जाम्पल लेड बाय एन एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि खुद उन्होंने जो है नॉन अरब से अफ्रीकन डिसेंट से जो है निकाह किया और ये सारे जो है रिस्ट्रिक्शन जो कल्चरल थे जो इस्लाम में नहीं है इन सब को जो है तोड़ दिया और एक पाक खातून बीबी बीबी हमीदा खातून से जो है छठे इमाम इमाम जाफर सदकाम ने जो निकाह किया और हमारे सातवें इमाम इमाम काजिम की विलादत हुई इमाम की जो लाइफ है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जी नाम यकीन हमें अच्छे रखने हैं चौथे इमाम इमाम आबिदीन असलम अपने रसारतूक में बताते हैं कि बच्चे का राइट है कि उसके वालदेन उसको एक अच्छा नाम दे लेकिन जब हम देखते हैं कि सिर्फ ये सात इमाम की लाइफ जो है वो एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ नाम अच्छा होने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता कई अच्छे नाम वाले थे जिन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए और कई ऐसे थे जिनके नाम शायद अच्छे नहीं थे लेकिन उनके काम जो है वो बहुत अच्छे थे जैसे मुआविया इब्ने यजीद यजीद का जो बेटा था मुआविया सानी सेकंड मुआविया वो अपने दादा मुआविया जैसा नहीं था वो वह अहलबैत को अपनी कुर्सी दे देना चाहता था और उसको जो है कत्ल कर दिया गया नाम मुआविया था लेकिन काम उसका मुआविया जैसा नहीं था या फिर इमाम अलैहिस्सलाम की लाइफ में जब हम देखते हैं मूसा और हारून हिस्ट्री में मूसा हारून कौन थे नबी अल्लाह कलीमुल्ला जनाब मूसा और उनके भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से है दोनों के दोनों और आन में इनका मेंशन है इनका जिक्र है अल्लाह के खास लोगों में से है मूसा और हारून और जब हम सातवें इमाम की जिंदगी में आते हैं तो मूसा इमाम मूसे मूस सलाम की पाकजात और उनको कत्ल करने वाला हारून हारून अब्बासी लानी तो जब हमारा नाम एक बार अच्छा है तो हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम उस नाम में जो है उसको हम अपनी जिंदगी में लें अगर हमारा नाम अली है तो हम अमीर उलमीन की जिंदगी से सीखें अगर हमारा नाम फातिमा है तो हम उनकी जिंदगी से सीखें हमारा नाम मोहम्मद है हसन है हुसैन है अब्बास है मूसा है जाफर है जैनब है जो भी हमारे नाम है हम जो है उन नामों से सीखें वो जो पर्सनैलिटीज़ है की, उन पर्सनैलिटी से हम सीखें उनकी जिन, उनकी उनके नाम के साथ साथ उनके काम को भी जो है उनके अखलाक को भी जो है उनकी टीचिंग्स को भी जो है हम अपनी ज़िंदगी में उतारें इमाम अलैहिस्सलाम को जैसे मैंने कहा बाबल हवाइज कहा जाता है इमाम अलैहिस्सलाम अपने फादर छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर में पैदा हुए जब वो पैदा हुए तब जो खलीफा था वो मरवान हमार था उमैय डायनेस्टी का उसका वो चला गया उसके बाद असफ़ा था अबू सफ़ा बनी अब्बास का पहला खलीफा उसके बाद मंसूर दवानी जिसने छठे इमाम को शहीद किया और उसके बाद जो है सातवें इमाम का जब दौर इमामत शुरू हुआ तो मंसूर दवानकी बादशाह था उसके बाद मेहदी अब्बासी था उसके बाद हादी अब्बासी था और उसके बाद आखिर में जो है हारून अब्बासी लानतुल्लाह अलैह जो है खलीफा बना था सातवें इमाम इमाम मूस में वे है जैसा कि हम जानते हैं मैंने कई लेक्चर में पहले भी कहा है कि जो इमाम होता है जो नबी होता है वो बचपन से ही जो है इमाम या नबी होता है सातवें इमाम जो है जिसके जिसका एग्जाम्पल हमने जनाब ईसा देखा था कुरान में अल्लाह सुबह फरमाता है कि जनाब ईसा जब क्रेडल में थे तो उन्होंने कहा था इन्नी इन आसानी नबीया मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाह ने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया है तो उसी तरह इमाम मूसे अलैहिस्सलाम जब पांच साल के थे तो अबू हनीफा जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो अहले सुन्नत के इमामों में से है अबू हनीफा जो है छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मिलने आए और उनको कुछ सवाल पूछने थे तब सातवें इमाम इमाम मूसे काज बाहर जो है घर के बाहर थे तो अबू हनीफा ने कहा इमाम बिजी है छठे इमाम बिजी है तब तक बच्चे से थोड़ा खेल लेते थोड़ा मजाक मस्ती कर लेते तो उसने कहा कि भाई ऐसा मजाक मस्ती थोड़ा इमाम से किया इमाम ने कहा तुम कुछ सवाल पूछने आओ वालिद से बोले मेरा यह सवाल है पांच साल क्या इमाम जाफ, आ, इमाम मूसे काजिम पांच साल की एज में इमाम काजिम ने अहले सुन्नत के मूस के इमाम के डाउट्स को क्लियर किया दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज अ सेल्फ अपॉइंटेड एंड अपॉइंटेड बाय अल्लाह ये डिफरेंस है जब एक शख्स जो है अपने से कुछ करता है अपने से इल्म हासिल करने की कोशिश करता है और उस इमाम में के जिसको खुदा ने जो है यह डिफरेंस है अल्लाह के अपॉइंटेड इमाम में और खुद को इमाम कहने में तो अबू हनीफा जब सातवें इमाम इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे सवाल पूछा तो पांच साल की उम्र में जो है इमाम मूसे काजिम ने अबू हनीफा जो कई साल उनसे बड़े थे उनके डाउट्स को क्लियर किया ये अल्लाह का इल्म था अल्लाह का दिया हुआ इल्म था ये इमाम वक्त की जो है आ, एक एक प्रूफ था कि वो जो है अल्लाह के अपॉइंटेड इमाम है उसके बाद छठे इमाम इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की शहादत जब हुई मंसूर दवानक ने उनको जहर दिया मंसूर ने अपने गवर्नर ऑफ मदीना से कहा कि इमाम सादिक की वसीयत ढूंढो उनकी विल ढूंढो और उनकी वसीयत में जिस शख्स का भी नाम हो उसको कत्ल कर दो कि जो ये इमाम का जो है वसी है। इमाम सादिक जानते थे कि ऐसा होगा इसलिए इमाम जाफर सलाम ने अपनी वसीयत में जो है सबसे पहला नाम लिखा मंसूर दवान दूसरा नाम लिखा गवर्नर ऑफ मदीना का तीसरा नाम जो है लिखा अब्दुल्ला अफ्ताह करके जो थे उनका चौथा नाम लिखा इमाम मूस काज का और पांचवा नाम लिखा उनकी वाइफ इमाम साधिक, साधिक की वाइफ बीबी हमीदा खातून सलाम का और इस तरह इमाम जाफर शादिकम ने जो है अपने बाद अपने वसी अपने उसके जमाने के इमाम इमाम मूस आजिम्सम की जान बचाई और मनसूर दवानकी ने जो है इमाम को जो है छोड़ दिया एक कंट्रोवर्सी जो आती है जिसकी वजह से जो है आज कई सारे एहलब के चाहने वाले जो है एक दूसरे सेक्ट में बिलीव करते हैं छठे इमाम इमाम जाफर सदकाम के एक फर्जन थे जो बड़े फर्जन थे उनका नाम था जनाब इसमाइल इस्माईल इब्न जाफर जनाब इस्माइल इबन जाफ़र जो है इसी दुनिया इमाम सादिकम की जिंदगी में ही इस दुनिया से चले गए थे लेकिन क्योंकि तीसरे इमाम के बड़े बेटे इमाम जिलान चौथे इमाम के बड़े बेटे इमाम बाखिर पांचवें इमाम के बड़े बेटे इमाम सादिक तो इसीलिए लोगों को लगा कि छठे इमाम के जो बड़े बेटे है, हैं जनाब अलैहिस्सलाम वही इमाम होंगे जनाब इसमासलम नेक मुत्तकी परहेजगार थे और अहिल जो है छठे इमाम की इमामत के कायल थे लेकिन वो इस दुनिया से जो है चले गए और छठे इमाम उनकी इस दुनिया से जाने पर गिरिया भी किया और उनकी बकी में कब्र भी बनी और इमाम सादिक आसम ने कहा कि अल्लाह जिसे अपॉइंट करता है वो इमाम होता है ये नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन भाई है कौन बेटा है नहीं अल्लाह अपॉइंट करता है और इमाम सादिक सादिक्लाम ने अपनी जिंदगी में क्लियर कर दिया कि मेरे बाद इमाम मेरा बेटा मूसा है और हम इसीलिए एलबैत जो शिया इस है वो हम छठे इमाम के बाद सातवें इमाम इमाम मूसे काजिम्सम काजिम को जो है इमाम मानते हैं लेकिन एक फ़िरका था जो जनाब इसमा को जो है इमाम माना और वहां से जो है पूरी तरह से जो है एक दूसरी जो है सेक्ट बन गई जिसे आज हम बोहरा सेक्ट और इस्माईली जो सेक्ट है इसमाइली जो उन्हें कहा जाता है वो जनाब इसमाइल इबन जाफर सदकाम जबकि जनाब इसमाइल ने कभी भी इमामत का दावा नहीं किया था लेकिन जो बोहरा कम्युनिटी है और जो इस्माइली कम्युनिटी है ये जो है जनाब अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते हैं सातवें इमाम को अपना इमाम नहीं मानते और वो जो है वहां से जो है अलग हो जाते हैं निकल जाते हैं वो अपना उन उनकी सेक्ट जो है अलग हो जाती है अब आते हैं सातवें इमाम इमाम मूस अलैहिस्सलाम की लाइफ पे हारून अब्बासी ने जो है इमाम है को देखा और इमाम को उसको वो जानता था कि इमाम छठे इमाम ने जो है इस तरह इल्म फैला है और उसको डर था कि कहीं सातवें इमाम भी जो है ऐसा कुछ न करे और इसीलिए हारून अब्बासी ने जो है इमाम को कैद किया और कैसे कैद किया इमाम खुदा की इबादत में थे सजदे में थे और सजदे में से उठाकर हारून अब्बासी ने जो है सातवें इमाम इमाम मुसे आजिम को जेल में डाल दिया ये क्लियर दिखाता है कि हारून अब्बासी जो है खुदा की इबादत की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था सातवें इमाम को उसने सजदे की हालत में इंप्रेजेंट किया उनको जेल में डाल दिया और उनको जो है कितने ही साल फोर्टीन ईयर्स चौदह साल इमाम काज़िम काज्लाम को उसने जेल में रखा फोर्टीन ईयर्स ऑफ इज लाइफ कैन यू इमेजिन चौदाह साल फोर्टीन ईयर ऑफ लाइफ इमाम अलैहिस्सलाम जेल में थे और एक जेल में डालता था इमाम अलैहिस्सलाम अपने अच्छे कैरेक्टर से अपने अच्छे अखलाक से जो है इमाम अलैहिस्सलाम उस जेलर को अपने अपना गरबीदा कर लेते थे अपनी मोहब्बत दे देते थे, थे और वो नरम हो जाता इमाम अलैहिस्सलाम पे तो हारून जो है फिर से जो है इमाम का जेल शिफ्ट कर देता उनको दूसरी जेल में डालता फिर इमाम अलैहिस्सलाम जो है उस जेलर से अच्छे से बिहेव करते वो जेलर भी सोचता यार मैं इस पे कैसे जुल्म करूं फिर हारून को पता चलता फिर वो जो है दूसरे जेल में डाल देता इस तरह अलग अलग जेल में इमाम को डाला और इमाम को बहुत टॉर्चर किया इमाम के जेल में जो है हारून अब्बासी कुछ ऐसी लेडीज को भेजता था कि जिससे इमाम को जो है बदनाम कर सके लेकिन जब वो लेडी जिंदा से बाहर आती थी तो अल्लाह की इबादत गुजार बनकर आती थी वो कहती थी कि जब से मैं जेल में गई इस शख्स ने जो है अपना सर सजदे से नहीं हटाया हटाया मैंने जितनी भी ट्राई की ये मेरी तरफ नहीं देखते थे और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात रहता था और वो भी अल्लाह की इबादत में शामिल हो जाती थी और अपने बुरे काम छोड़ देती थी लेकिन ये हारून के टैक्टिक्स थी हारून की स्टाइल थी हारून का प्लान था कि ऐसी लेडीज को भेजकर इमाम इमाम को बदनाम करे लेकिन इमाम सलाम, मासूम है अल्लाह के अपॉइंटेड नुमाइंदे हैं और उनके नाम को जो है कोई खराब नहीं कर सकता हारून अब्बासी जो है और दूसरी उसकी टैक्टिक ये थी कि वो जो इमाम सलाम को ऐसे जेल में रखता था कि इमाम सलाम न सही से खड़े हो सकते थे न सही से लेट सकते थे अंडा सेल पता है अंडा सेल जैसे होता है वैसे जेल में कि इमाम अलैहिस्सलाम ना सही से उठ पाते थे ना सही से लेट पाते थे इमाम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे अल्लाह मुझे इस जालिम के कैद से निजात दिला एक बार ऐसे ही एक छोटे कैद खाने में हारून अब्बासी ने जो इमाम को कैद करके रखा था तो जो जेलर था वो इमाम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला निकला उसने इमाम अलैहिस्सलाम को जो छोटे सी जेल में से निकाल के बड़े जेल में डाला ताकि इमाम अलैहिस्सलाम एटलीस्ट अच्छे से खड़े हो सके लेट सके नमाज पढ़ सके दुआएं कर सके सब कर सके एक दिन इमाम ने उसको बुला कहा मुझे वापस वो छोटे वाले जेल में डाल बोले मौला उसमें आप आपको कितनी तकलीफ होती है आप ना सही से खड़े हो सकते हो ना सही से लेट सकते हो इधर आपको थोड़ा सी आराम एटलीस्ट आप मूव कर सकते हो इधर से उधर चल सकते हो तो इमाम अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम उससे कहते हैं कि इस जेल में मुझे म्यूजिक की आवाज आती है वो जेल मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था कंपेयर टू ये बिग जेल क्योंकि वहां पे मैं सुकून से अल्लाह की इबादत करता था और इस गुनाह से दूर था जबकि इस बड़े सी जेल में चाहे स्पेस बड़ी है लेकिन यहाँ पर जो है मुझे म्यूजिक की आवाज से जो है तकलीफ होती है अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं उनके मानने वाले हैं और खुदा न खास्त अल्लाह न करे अगर हमको म्यूजिक की आदत है तो हम इमाम मूसे काजिम की लाइफ से लेसन ले और इस म्यूजिक को जो है अपनी जिंदगी से जो है निकाल ले म्यूजिक के बारे में बहुत खतरनाक खतरनाक हदीस है गुनाह ने कबीरा किताब है उसमें जाके आप देख सकते हैं म्यूजिक को बहुत बहुत बुरी नजर से देखा गया इस्लाम में उस, बिकॉज उसके रीजन है इनशाला किसी और दिन किसी लेक्चर में जो है म्यूजिक के ऊपर लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ने म्यूजिक अगर हराम करार दिया तो क्यों करार दिया कमिंग उनके सहाबी जनाब अलीब ने यकीन की जनाब अली अब ने यतीन जो थे वो हारून अब्बासी के प्राइम मिनिस्टर थे वो किंग है और ये प्राइम मिनिस्टर है सारी कंट्री चलाते इमाम ने उनको बोला कि आप जो है पार्टिसिपेट कीजिए आप पोजीशन में रहकर रह कर के चाहने वालों की मदद कीजिए उनके जुल्म उनको जुल्म उनको से बचाइए एक बार जनाब अलीब ने यतीन जो है उनको जो है हारून अब्बासी ने एक कपड़ा गिफ्ट किया एक, एक रिदा गिफ्ट किया वा गिफ्ट किया कुछ तो अच्छा से गिफ्ट दिया हारून अब्बासी का गिफ्ट था किंग का गिफ्ट था तो एकदम अच्छा ही होगा जनाब अलीब ने ने दे देखा बहुत अच्छा गिफ्ट उन्होंने कहा ये तो मेरे इमाम को मिलना चाहिए और उन्होंने जो है ये ये इमाम को गिफ्ट कर दिया इमाम ने गिफ्ट अलीब ने यतीन को वापस दे दिया जनाब अलीब ने यकीन ने बोला यार ये इमाम ने क्यों वापस दे दिया इमाम ने कहा कि तुम्हारे पास रखो तुमको काम आएगा अब ये जो गुलाम था जिसने अलीब ने यकन से वो गिफ्ट लेकर इमाम मूसे काजिम को दिया था उसने जाके दूसरे लोगों को बताया और जो जनाब अलीब ने यतीन से जेलस थे उनसे जो है दुश्मनी रखते थे वो हारून अब्बासी के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमाम मूसा का चाहने वाला है और वो जो है गिफ्ट भेजता है और जो तुमने जो गिफ्ट दिया वो खास जो गिफ्ट दिया देखो ये गुलाम मौजूद है लेकिन इमाम ने दूसरे गुलाम के थ्रू भेज दिया था हारून अब्बासी ने बुलाया जनाब अलीब ने यकतीन को कहा वो गिफ्ट किधर है जो मैंने तुमको दिया जनाब अलीब ने यतीन ने बोला उनके गुलाम को भेजा बोले जाओ रखा हुआ है लेके आओ लेके आए हाजिर है खिदमत बोले ये लोग कह रहे हैं कि जो है तुमने जो है इमाम मूसा को दिया बोले अगर मैंने दिया होता तो मेरे पास होता कैसे जनाब अलीब ने यतीन को अपनी जान बचानी थी और इस तरह हारून अब्बासी ने जो है जो, है जो लोग जनाब अलीब ने यतीन की कंप्लेट लेने आए थे उनको जो है पनिशमेंट दी बहुत बुरी पनिशमेंट दी और जनाब अलीब ने जो है वो इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के उससे उनकी मदद से जो है बच गए इमाम मूसा अपने चाहने वालों की प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरह आज हमारे वक्त के इमाम इमाम जमाना आज जल्ला शरीफ़ जो है हमारी प्रोटेक्शन करते हैं इसीलिए हमको उनकी सलामती और उनके जल्द जहूर की दुआ करनी चाहिए इमाम की लाइफ में एक और उनके जो कंपेनियन थे जनाब दाना जनाब दाना जब बहलोले इमाम के सहाबी थे थे बहुत बड़े आलिम दीन हारून अब्बासी के कोर्ट में चीफ जस्टिस थे लेकिन इमाम के चाहने वाले थे इमाम के शिया थे अब जब इमाम कैद हो गए तो जनाब बहलो दाना इमाम के असगर कहा हमारे लिए क्या हुक्म है इमाम ने एक लेटर अंदर से लिख के भेजा जीन तो इमाम के एक साहबी थे उन्होंने जीम का मतलब जमल समझा यानी पहाड़ और वो जो है पहाड़ों पर सब छोड़ छाड़ के पहाड़ पे चले गए जनाब बहुल ने जो है जहालत समझा जुनून समझा और वो जो है मेंटल होने की यानी मेंटली थोड़े अनस्टेबल होने की एक्टिंग करने लगे और मेंटली अनस्टेबल होकर जो है उन्होंने जो है अलैहिस्सलाम के दीन को फैलाया वो जानते थे अगर वो इस तरह इमाम के चाहने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे या उनके दीन को फैलाएंगे तो हारून जो है उनको कभी ना कभी पकड़ लेगा और कत्ल कर देगा शहीद कर देगा इसीलिए उन्होंने जो है इस तरह किया इमाम के कहने पर और उन्होंने जो है कई बार कई बार हारून को भी जो है एक उसको झटका दिया अलैहिस्सलाम के चाहने वाले को प्रोटेक्ट किया और अलैहिस्सलाम के इल्म को जो है फैलाया एक स्टोरी है कि एक बार जनाबे बोहलोल दाना जो है बगदाद में थे और हारून के उसमें जो है दरबार में जो है घूम रहे थे अपनी लकड़ी को घोड़ा बनाकर खेल रहे थे हारून ने बहुत खुश था उसने बोले बोहलोल तुमको क्या चाहिए तो जनाब बोहलोल ने कहा मुझे जो है बगदाद के जो कैद खाने जो प्रेजेंस है जो जेल है उसकी चाबी दे दो तो हारून के मिनिस्टर्स ने मना किया हारून ने कहा ये कर ही क्या लेगा चाबी दे दी और फिर हारून चला गया कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा शोर उठा हारून बोला क्या हो गया बोले दाना ने जो, ने जो जो है कैदियों को आजाद कर दिया जेल से अरे बाप रे बाप हारून रशीद बोलते हैं यार ये तो गड़बड़ हो गई उसने बोहलोल को बुलाया ढूंढो बहलोल को किधर है बहलोल जनाबे बोहलोल कब्रस्तान में जाकर रो रहे थे तो हारून अब्बासी आया बोले यार बोले तुमने क्या किया ये सब सबको छोड़ दिया बोले अरे मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो तो बोले मेरे को सब पकड़ के लाओ बोले एक काम करते हैं कब्रस्तान में इंतजार करते हैं क्योंकि सबको किसी ना किसी दिन यहाँ पर आना ही है सो so स्मार्ट रिप्लाई इससे जनाब बोहलोल ने दो काम किए एक तो हारून को याद दिलाया कि एक ना एक दिन तुझे कब्र में जाना है तुझे जवाब देना है अपनी जालमियत को रोक दे और दूसरी तरफ थे उनको आजाद कर दिया ये थे के उनके चाहने वाले। जो किसी भी हाल में हो अहलबैत के मैसेज को, के को के मिशन को जो आगे बढ़ाते थे, थे और जब इमाम कैद में थे तभी भी जो है इन्होने जो है अहलबैतम के मजहब को जो है जारी रखा और उसी तरह आज इमाम ज़माना आज जल्ला तरजहुल शरीफ के गैबत में हमारेमा हमारे, हमारे आलम दिन जो सच्चे आलम दीन हैं जो हमारे मर्ज तकलीद है वो जो है इमाम की ग़ैबत में उसी तरह इस दीन की हिफाजत कर रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम के साये में इमाम की इनायत से यकीन उनकी इनायत ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता आखिर इमाम मूस का आजिम् चौदह साल जुल्म में हारून अब्बासी की जेल में रहे हारून अब्बासी जो है वो वह अहलबैत के चाहने वालों को कत्ल करता था खास करके खास करके हसनी सादात जो थे उनके ऊपर बहुत जुल्म होते थे हसनी सादात को जो है आ, दस लेडीज में जो है सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ होता था इतना जुल्म करता था चाहे वो मंसूर दवानकी हो हारून अब्बासी हो ये सब ने जो है एहलैतम्सम के चाहने वाले उनकी मोहब्बत करने वाले और खसूस जो इमाम हसन की लिनियत से जो सादात थे उनको जो है बहुत खुलेआम कत्ल किया उनका जो है खून बहाया और उनको जेलों में डाला उनको दीवारों के बीच में पीस दिया और बहुत 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 बहुत, बहुत, बहुत जुल्म किया और आखिर में 25 रजब 183 हिजरी थी उससे टाइम पहले एक शख्स आया इमाम के जेल में मौला आप कब बाहर आएंगे चौदह साल हो गए कब हम आप आपकी ज्यारत करेंगे कब हम आपको देखेंगे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा पर्टिकुलर डे पर पच्चीस रजब के दिन जो है मैं बगदाद के पुल पर जो है तुमसे मिलूंगा यह शख्स खुश हो गया उसने सारे शियों में खबर फैला दी कि इमाम अलैहिस्सलाम अगले जो मतलब ट्वेंटी बगदाद के पुल पर इमाम रिहा होने वाले इंशाल्लाह हम सब जो है इमाम से मुलाकात करेंगे पच्चीस रजब को एक हुजूम बगदाद के पुल पर आया और इंतजार कर रहा था कि आज हमारे इमाम जो है चौदह साल बाद जेल से आजाद होंगे अचानक उन्होंने देखा कि चार गुलाम एक जनाजे को लेकर आए और बगदाद के पुल पर छोड़कर चले गए ब्रिज पर छोड़ चले गए। जब किसी ने देखा, तो उसमें हमारे सातवें इमाम, इमाम की शहादत हो चुकी थी और वो थे और 25 रजब 183 आफ्टर हिजरा में इमाम की बगदाद में हारून अब्बासी के जहर से शहादत हुई इमाम अली रजा मदीने में थे बाएजाज़ इमामत के पावर से वो बगदाद आए इमाम अलैहिस्सलाम को कोसल दिया कफ़न पहनाया उनकी जो है नमाज जनाजा पढ़ाई और इमाम अलैहिस्सलाम को जो है काजुमाइन जो आज एरिया है बगदाद का वहाँ पर जो है दफन किया गया इमाम अलैहिस्सलाम की लाइफ से जो हम लेसन सीखते हैं जो उनका नाम काजम था उनकी लाइफ काज़िम का मतलब हो है जो गुस्से को पी जाता है जो गुस्से को कंट्रोल करता है

हर एक बिलीवर के लिए जो उस बंदे के लिए दुआ करें मतलब जिस तरह हमने सैयदा फातिमा जहरा सलाम ला ला की लाइफ में देखा था कि प्रे फॉर अदर्स बिफोर यू प्रे फॉर योरसेल्फ उसी तरह इमाम मुसे काजिम की हदीस है सवाब उलामाल में पेज नंबर 211 पे तो ये एक लेसन है एक हदीस है इमाम अलैहिस्सलाम की लाइफ से सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया इन हम कल फिर मुलाकात करेंगे इमाम अली इब्ने मूसा अर्रदा अलैहिस्सलाम की लाइफ के साथ कल शाम पाँच बजे इमाम मूसा काजिम की लाइफ के बारे में और जानना हो तो बुक नुकुशे इस्मत है ऊपर ऑडियो बुक की लिंक है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है जरूर जाए इंशाल्लाह कल फिर शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे वा आखिर अनिल الحمدلله رب العالمين थैंक यू वेरी मच बर मोहम्मद वली मोहम्मद सलावत اللهم صل على محمد و